इमरान खान आया तो और महंगा हुआ है, अब इसकी बारी आएगी तो और ज्यादा महंगाई होगी। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ का वापस आएंगे या नहीं? सवाल जो है ना उनका तो बड़े ही डिफरेंट अंदाज में होना चाहिए, हाँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उनका इस्तकबाल ऐसे होना चाहिए। पीछे पता चला कि शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने लोगों ने बड़े बुरे तरीके से उनका इस्तकबाल। नोलिंग वालों का तो कहना है कि 21 अक्टूबर को शानदार इस्तकबाल होगा, तो इस हवाले से आपका क्या? कहाँ जो रिपोर्ट पे आज से 3-4 दिन पहले एक कॉर्नर मीटिंग करने गया था शहबाज शरीफ ग्वाल मंडी में अपने पुराने इलाके में, जहाँ उसका इस्तकबाल हुआ है वो भी पब्लिक ने देखा। लगता है कि अगर नवाज शरीफ आता है वापस और उनकी हुकूमत होती है तो महंगाई वगैरह कम होगी? तो मुश्किल ही है, हाँ जी, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। 21 अक्टूबर को लोग जो है इनका इस्तकबाल करने के लिए बिल्कुल जा रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं। आप जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, हम भी, वो हमारे लीडर हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से पेट्रोल की कीमतें हैं कम? उनके आने से पेट्रोल कम नहीं होगा, मजीद ऊपर जाएगा, क्योंकि फिर भी आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी कौम जो है वो इसके लायक है और ये होना चाहिए ऐसा, तो ये ज़रूरी है, महंगाई जो है वो बढ़नी है, कम नहीं होनी। लेकिन अगर इमरान खान के दौर की बात करें तो तब तो पेट्रोल बहुत सस्ता था। अगर आप इमरान खान के दौर की बात कर रहे हैं, उससे पहले नवाज शरीफ का दौर भी था, उस पर भी सस्ता था। जब ये इमरान खान आया तो और महंगा हुआ, अब इसकी बारी आएगी तो और ज़्यादा महंगाई होगी। मैं जूतों का काम करता हूँ, खुद का बिजनेस है छोटा सा, खुशहाली से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अच्छे तरीके से गुजार रहा हूँ, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। महंगाई हो और भी बढ़े तब भी कोई मसला नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा महंगाई जितनी भी बढ़ जाए? जो कारोबारी लोग हैं उनको मसला नहीं बनता, जो लोग हैं दूसरे मजदूर आदमी हैं उनको मसला बनता है, जो कारोबारी लोग हैं उनको मसला इससे कोई बनता नहीं बनता। बहुत शुक्रिया। और लोगों को क्या लगता है कि नवाज शरीफ का वापस आएंगे या नहीं? सवाल जो है ना उनका तो बड़े ही डिफरेंट अंदाज में होना चाहिए, हाँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उनका इस्तकबाल ऐसे होना चाहिए। पीछे पता चला कि शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने लोगों ने बड़े बुरे तरीके से। नोलिंग वालों का तो कहना है कि 21 अक्टूबर को शानदार इस्तकबाल होगा, तो इस हवाले से आपका क्या? कहाँ जो रिपोर्ट पे आज से 3-4 दिन पहले एक कॉर्नर मीटिंग करने गया था शहबाज शरीफ ग्वाल मंडी में अपने पुराने इलाके में, जहाँ उसका इस्तकबाल हुआ है वो भी पब्लिक ने देखा है, तो उसका कैसा इस्तकबाल? मैं हाल है, मेरे पास वो लफाज नहीं है, उन्हें तो गाली निकालते हुए भी हमें शर्म आती है, गाली से भी कोई बड़ी गाली हो तो वो निकालनी चाहिए।